नमस्कार, क्या आपने हाल ही में अपना बोर्ड दीदी प्रशिक्षण पूरा किया है? क्या आप ये देख पाए कि आपके लिए किसी भी तरह से वो उपयोगी होगा? यदि हाँ, तो मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। ये बोर्ड दीदी जिसे आपने अभी देखा, सच कहूँ तो एक छोटे बच्चे की तरह है जो सीख रही है। हाँ, इससे पहले कि हम उससे सभी सही उत्तर देने की उम्मीद करें, हमें उसे प्रशिक्षित करना होगा, उसकी मदद करनी होगी और मिलकर उसको सही बनाना होगा। अब आप मुझे बताइए, बोर्ड दीदी के साथ बातचीत करने वाला सबसे करीबी व्यक्ति कौन है और वह कौन है जिसकी मदद बोर्ड दीदी को करनी चाहिए? दोनों सवालों का जवाब आप ही हैं, है ना? तो आइए समझते हैं कि आप वास्तव में उसे प्रशिक्षित करने, सीखने और बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले उसे सही जानकारी दें। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को बताएं कि बारिश होने वाली है, तभी वह बारिश की तैयारी कर पाएगा, है ना? इसी तरह से बोर्ड दीदी को भी सही और वास्तविक जानकारी देनी है। दूसरा, बातचीत को बेहतर ढंग से समझने में उसकी मदद करें। आपने प्रशिक्षण में देखा होगा कि आपको बोर्ड दीदी से प्रश्न पूछने के लिए कहा गया ताकि वह उत्तर दे सकें। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, कृपया मुझे खाना बनाना सिखाएं, क्या आप मुझे सिखा पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको पता होगा कि कहाँ से शुरू करना है, मेरी आवश्यकता क्या है और मैं विशेष रूप से क्या जानना चाहती हूँ। ये पूछने के बजाय कि मुझे खाना बनाना सिखाएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक घंटे के अंदर कद्दू की करी बनाना सिखाएं, क्या यह आसान उत्तर पाने के लिए एक बेहतर प्रश्न नहीं है? आपका सवाल जितना अधिक विशिष्ट या सटीक और विस्तृत होगा, उत्तर उतना ही बेहतर और उपयोगी होगा। बोर्ड दीदी बिल्कुल ऐसी ही हैं। यदि आप उनसे प्रश्न पूछें कि धान कैसे उगाएं, क्या इसका उत्तर देना आसान होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप बोर्ड दीदी से पूछें, मेरे धान के पत्ते पीले हो रहे हैं, मैंने पहले ही 0.25 ग्राम जिंक डाल दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? बोर्ड बेहतर उत्तर देने में सक्षम होगा। इसीलिए हमें सटीक और विस्तृत प्रश्न पूछने की जरूरत है, वो वास्तविक प्रश्न जो किसान हमसे पूछते हैं, ताकि हमें सही जवाब मिल सके और बेहतर उत्तर देने के लिए बोर्ड दीदी को प्रशिक्षित भी किया जा सके। और तीसरा, याद है कि कैसे स्कूल में हमारे शिक्षक हमें नंबर देते थे और बताते थे कि कौन सा उत्तर गलत या सही है? क्या वह हमारे लिए मददगार नहीं था? इसने हमें बेहतर सीखना सिखाया। इसी तरह बोर्ड दीदी को भी हमारी मदद की जरूरत है। हम उन्हें जितना अधिक फीडबैक देंगे, बोर्ड दीदी उतनी ही तेजी से सीखेंगी और हमारे सवालों का सही जवाब दे सकेंगी। तो याद रखें, अब आप बोर्ड के लिए प्रशिक्षक भी बनने जा रही हैं। आप उसे सही जानकारी देकर, सही प्रश्न पूछकर और उपयोगी फीडबैक या प्रतिक्रिया देकर प्रशिक्षित कर सकते हैं। इन मंत्रों का प्रयोग शुरू करें और मुझे यकीन है कि आप पहली बार से ही उसकी मदद करना शुरू कर देंगे। तो इन 3 बिंदुओं को याद रखें और बोर्ड दीदी की मदद करें, ताकि वह विस्तार के साथ आपकी और हमारे किसानों की बेहतर मदद कर सके। धन्यवाद।